क्या आपको भी प्रेगनेंसी में सफेद पानी आने की समस्या होने लगी है? वैसे तो बहुत सी महिलाएं प्रेगनेंसी में हजार दिक्कतों का सामना कर रही होती हैं। इसके ऊपर से एक और समस्या उनके लिए परेशानी का सबब बन जाती है। वैसे तो ये प्रेगनेंसी में होने वाली नॉर्मल समस्या है, लेकिन कभी कभी सफेद पानी आने की समस्या आपके होने वाले बच्चे के लिए खतरनाक बन जाती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में सफेद पानी क्यों निकलता है और इससे बचने के क्या क्या उपाय होते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। प्रेग्नेंट महिला के लिए प्रेगनेंसी में सफेद पानी निकलना अच्छा होता है, क्योंकि इस पानी में सारे डेड सेल्स होते हैं और ये आपके प्राइवेट पार्ट को साफ सुथरा और इससे होने वाली समस्याओं जैसे कि प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन को खत्म करके साफ करने में आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में सफेद पानी गिरना कभी कभी खतरे का भी संकेत हो सकता है। तो आइए हम ये जान लेते हैं कि आखिर प्रेगनेंसी में सफेद पानी आने के रीजंस क्या क्या होते हैं। वैसे तो प्राइवेट पार्ट से सफेद पानी का आना प्रेगनेंसी की हर तिमाही में दिखाई देता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, जिसे लिकोरिया या वाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं। और ये पानी ही सर्वाइकल म्यूकस होता है, जो कि एक गंधहीन पानी होता है जो महिला के प्राइवेट पार्ट को साफ रखने में हेल्प करता है, जो प्रेगनेंसी के समय आपकी सर्विक्स में बनता है और समय के साथ साथ बदलता रहता है, कभी गाढ़ा कभी गुलाबी। वैसे तो इससे डरने की या परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके प्राइवेट पार्ट में डेड सेल्स के कारण बनता है और इसका कारण आपके शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होना होता है। साथ ही प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में आपके प्राइवेट पार्ट से सफेद पानी पतला और रंगहीन होता है, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है ये कुछ ज्यादा गाढ़ा होने लगता है। अगर आपको लगता है कि इसके लक्षण अलग हैं या फिर एबनॉर्मल है, तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में जरूर कंसल्ट करें। इसके अलावा अगर आपको दूसरी तिमाही में प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज का पानी थोड़ा गाढ़ा गंधहीन और नॉर्मल रंग का है, तो इसमें चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन अगर इसमें से किसी भी तरह का खून आए, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ये मिसकैरेज का भी एक संकेत हो सकता है। साथ ही साथ तीसरी तिमाही के दौरान अगर पहले से पानी का रंग और गाढ़ापन थोड़ा ज्यादा हो जाए, तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में पानी के साथ खून आए, जो कि नॉर्मल है। इसमें कभी कभी डिस्चार्ज के साथ खून के थक्के भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो डिलीवरी का टाइम है वो बहुत ही करीब है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में पानी आना ये संकेत देता है कि आपका शरीर बच्चे को जन्म देने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अगर डिलीवरी से कुछ दिन पहले या समय से पहले आपको यूरिन जैसा पतला डिस्चार्ज निकलता है, तो डरने वाली बात नहीं है। ये एम्यूनिटिक ब्लड का लीकेज होता है, जिससे ये पता चलता है कि जब आप हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हैं और आपका बच्चा इस दुनिया में आने के लिए अब एकदम तैयार है। इसलिए अगर पानी पतला या कुछ गाढ़ा या फिर गंधहीन हो, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। पर अगर कुछ और परेशानी हो, जिसके कारण आपको ये लगे कि इसका रंग और गंध अलग है, तो आप अपने डॉक्टर से बिना किसी देरी के तुरंत मिलें। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सफेद पानी आना अगर ज्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाने से परहेज ना करें। अभी तक हमने ये जाना कि प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज आने के कारण क्या होते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज से बचने के उपाय क्या होते हैं, जो हर महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान अपनानी चाहिए, जिससे आप सफेद पानी की इस परेशानी से दूर रह सकती हैं। सबसे पहला उपाय है कि ऐसे समय में पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल कभी भी ना करें, क्योंकि इससे आपको इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। साथ ही साथ अपने प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई का खास ध्यान रखें और डॉक्टर की बताई गई दवाई से अपने निचले हिस्से को हमेशा धोएं, और धोने के बाद साफ कपड़े से सुखाकर ही अंडरवियर पहने, नहीं तो आपको वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके लिए आप साफ सुथरे और हल्के सूती अंडरवियर का इस्तेमाल करें और उन्हें समय समय पर रोज चेंज करते रहें। इसके अलावा कोई भी तरह का खुशबूदार या आर्टिफिशियल क्रीम पाउडर स्प्रे या लोशन का इस्तेमाल आप अपने प्राइवेट पार्ट पर ना करें। साथ ही अगर आपको सफेद पानी ज्यादा आ रहा है, तो आप पैड्स का भी उपयोग कर सकती हैं। इसके अलावा सिल्क और नायलॉन के कपड़े पहनना छोड़ दें और रात को हल्के कपड़े पहनकर ही सोएं। अपनी डाइट का आप खास ख्याल रखें, साथ ही समय पर डॉक्टर द्वारा दिए गए दवाइयों का ही भी इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, तो आप हमसे जरूर पूछें। हम वीडियो लाइव होने के एक घंटे के अंदर आए सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।